रेखा ने कभी श्रीदेवी की वजह से छोड़ी फिल्म, तो कभी उनकी आवाज बंद पर्दे पर सुनाई दी। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। वेटरन एक्ट्रेस रेखा ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हमेशा ही दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की तारीफ की है। वो उनका बहुत ही सम्मान करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी की वजह से रेखा ने एक तमिल फिल्म छोड़ दी थी। इतना ही नहीं, उसके बाद कभी उन्होंने तमिल फिल्मों में काम भी नहीं किया। हम बात कर रहे हैं 1981 में रिलीज हुई डायरेक्टर जी एन रंगराजन की फिल्म मिंदुम कोकिला की, जिसमें श्रीदेवी, कमल हसन और दीपा मुख्य भूमिका में थे। रेखा ने फिल्म साइन की और शुरुआती कुछ सीन की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन वो श्रीदेवी के स्टारडम को लेकर डरी हुई थी। कथित तौर पर फिल्म में रेखा जी वो किरदार निभाना चाहती थी जो श्रीदेवी को दिया गया था, लेकिन डायरेक्टर इसके लिए तैयार नहीं हुए। फाइनली रेखा ने इसे छोड़ने का फैसला लिया और फिर कभी तमिल फिल्मों में काम नहीं किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में श्रीदेवी को पहचान रेखा द्वारा छोड़ी गई फिल्म से ही मिली थी। बतौर लीड एक्ट्रेस श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म सोलवा सावन थी, लेकिन उन्हें स्टार बनाया हिम्मत वाले ने। फिल्म के लीड एक्टर जितेंद्र ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि इसके लिए रेखा पहली पसंद थी, लेकिन किसी अन्य प्रोजेक्ट के चलते वो फिल्म नहीं कर पाई। तब हमने नई लड़की को लॉन्च करने का फैसला लिया और बाकी सब जानते ही है। ऐसे इत्तेफाक इंडस्ट्री में अक्सर होते हैं। जितेंद्र ने 18 फिल्मों में श्रीदेवी और 30 फिल्मों में रेखा के साथ काम किया है। श्रीदेवी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आई थी, इसीलिए शुरुआती कुछ सालों तक उनकी आवाज को डब किया गया, लेकिन 1986 में आई अमिताभ बच्चन स्टारर आखिरी रास्ता के लिए रेखा श्रीदेवी की आवाज बनी थी। श्रीदेवी ने 1989 में आई चांदनी से अपनी आवाज खुद डब करनी शुरू कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।